Please get some nice photos of me. I love you guys, but please don't take bad photos of me getting inside and outside my car. But thank you. They're very good to me, but sometimes it looks very funny, you know, getting in and out of a car. So I'd rather you take nice photos. I'll pose for you, no problem. Lastly, it's Eid tomorrow, so if you'd like to wish all the lovers. Haan ji. Haan, Eid kal hai. Yes, so aap sabko Eid Mubarak. And I hope you have a lovely festival. I enjoyed the roza opening yesterday at Baba Ji's party. So wish you all lots of happiness, lots of love, and look forward to Mubarak coming out next month. Thank you. हेलो बोलिए ना, पूछिए सबसे पहले तो कैसे हो आप? सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू थैंक यू। बर्थडे का इससे अच्छा बर्थडे मतलब मुझे लगता है कि किसी के भी एक्टर के लिए क्या हो सकता है कि इतना मीडिया आया हुआ है और एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो है सबका वो दिखाया गया और सबके साथ जो है बर्थडे केक काटा गया, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई एंड ये सारी विशेष उनके साथ हमेशा बहुत मजा आया। आई थिंक दिस विल बी द परफेक्ट गिफ्ट ना फॉर यू अर्जुन, योर सॉन्ग हवा 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 हवा, तो या परफेक्ट गिफ्ट टू गिव टू द ऑडियंस। आई थिंक सबसे अच्छी बात मेरे लिए जो रही है वो ये है कि हर साल आप लोग मुझे खोजते हो जन्मदिन के दिन, इस बार मैंने सोचा कि आपकी खोज कटवा देता हूँ, एडिट करवा देते हैं वो प्रोसेस ताकि बारिश में ना घूमना पड़े और आप सबसे पहले ही मिल लूँ खुद, बिकॉज अब 5 साल बीत गए, अब एक अपनापन जो है वो बार बार बोलते भी अच्छा नहीं लगता, पर ये इस समय बर्थडे के दिन करीबी लोगों के साथ रहना पसंद होता है। मुबारक का सेलिब्रेटरी फिल्म है, हमने बहुत दिल से बनाई है, माहौल ही कुछ ऐसा है कि जन्मदिन भी है, ईद भी आने वाली है, तो हर तरफ मुबारक का ही मुबारक है, चाहे वो जन्मदिन मुबारक का हो या ईद मुबारक का हो, तो इसीलिए आई थिंक शुरुआत अच्छी रही है। आप सबसे मुलाकात करके अब अपने घर की तरफ बढ़ूंगा और फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताऊंगा। जी 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 थैंक यू जी जी। जी बिल्कुल पॉपुलर था, इसीलिए कहीं ना कहीं एक जहन में ये गाना था कि ऐसा गाना करना चाहिए जिसको अच्छी तरह रीमिक्स करे या रिकॉर्ड करे, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब अनीस सर और मैं डिस्कस कर रहे थे तो ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे वो मस्ती, वो जो एक हम कहते हैं ना एक शराफत के साथ भी एक नौटंकी जो होती है, एक इनोसेंस के साथ एक मस्ती जो होती है, वो गाने में छलकनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस सिचुएशन वाज सच दैट वी कुड डू अ रिक्रिएशन, और फिर हम सब जब साथ में बैठे तो ये गाना हमें लगा कि यार ये गाना ऐसा है सबने सुना है सबने देखा है सब डांस कर चुके हैं, लेकिन मे बी इट इज़ रेडी फॉर अ रीमिक्स इन दैट वे वेयर द यूथ कैन कनेक्ट। हाँ, गैप आया गाने के बीच में और जिस तरह हम लोगों ने नए तरीके से किया है, इसका जो म्यूजिक है, इसका जो और मीका की आवाज़ किया है और जितना वाइब्रेंट दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों को गाने बहुत पसंद है। You didn't tell me. Who, he's my dad now. He'll to be happy with whatever I do. But yeah, it was his favorite song. He was very happy that I got to dance. But this is actually my favorite song, Hava Hava. And I was very jealous. I told them, VFX mein dal do mujhe. Binkil ko DJ bana do. Lekin koi mera sunta hi nahi hai. Haan na? फिल्म में जो बिंकल का रोल है वो आप लोगों को बड़ा खूबसूरत लगेगा और इन्होंने बहुत काम भी किया है, तो मजाक अपनी जगह, लेकिन इस जगह जो है वो तो आ नहीं सकता था, लेकिन इनके भी जो गाने हैं जो टाइटल सॉन्ग है वो देखिए आपने कितना हुआ है,
तो ऐसा नहीं कि यही एक गाना है जो इनकी पसंद का है, मुझे लगता है ये गाना बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये जिन गानों में इन्वॉल्व है वो भी गाने बहुत, मुझे लगता है अन्ना जो अगला गाना भी देखेंगे उस पर भी खुश हो जाएंगे, बिकॉज उस पर हुआ जी यार यार इतना सोचा नहीं आगे एक्चुअली। जब एक फिल्म लग रही होती है तो आप फिल्म के बीचों बीच ही होते हो, वो माहौल ऐसा होता है कि आप ज़्यादा आगे की नहीं सोचते, आप बस 28 जुलाई की तरफ मेहनत करते रहते हो, बिकॉज हमने अपना काम तो कर लिया पर मार्केटिंग प्रमोशन आप सबसे मिलना चलते रहता है। बट जेन्युइनली आई थिंक नेक्स्ट ईयर वन थिंग आई डू वॉन्ट टू डू इज मैं सांस लेना चाहता हूँ। पिछला पूरा मेरा साल हाफ गर्लफ्रेंड मुबारक का बैक टू बैक करने में बीत गया और फिर रिलीज़ भी बैक टू बैक हो रही है। तो ये नहीं कि मैं कम काम करना चाहता हूँ, बट मैं थोड़ा सा बेटर प्लानिंग करके काम करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा और टाइम मिल सके अपने आप के लिए, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूँ और फिर वो रिचार्ज होकर जा सकूँ। बिकॉज कट टू कट में क्या होता है, थोड़ी सी एक पर्सनल ज़िंदगी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उड़ जाती है, तो वो बैलेंस बनाना चाहता हूँ। यार मैं ठहरा प्रोड्यूसर का बेटा, मैं इंडस्ट्री का लौंडा, तो मुझे लगता है जब फिल्में बनती है तो उसमें एक आदमी का हाथ नहीं होता, जब फिल्में चलती हैं उसमें एक आदमी की भलाई नहीं होनी चाहिए, एक टीम एफर्ट होता है और जो मेरे हक का है वो मुझे मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। और जो लोग हैं, जो फैंस हैं, जो मेरी फिल्में देखते हैं, मुझे जो सराहते हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मानता हूँ कि वो मुझे प्यार देती ही रहती है। बट कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज बीन अ टीम प्लेयर, मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि आई मी माई सेल्फ, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ तो मैं वैसे पेश भी नहीं आ सकता, वो मेरे अंदर है नहीं वो चीज़। मैं हमेशा बड़ी आई लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि मैं आई एम पैशनेट अबाउट सिनेमा, आई एम पैशनेट अबाउट एंटरटेनिंग पीपल, आई एम नॉट हियर जस्ट टू मेक अ मार्क फॉर माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है जब आप यादगार फिल्में करते हो, यादगार लोगों के साथ काम करते हो, तो आपकी कहानी और ज़िंदगी यादगार अपने आप बन जाती है। लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आपने इस दिन क्या बोला था या उस दिन क्या बोला था, लोग आपके फिल्मों को याद रखेंगे। तो यू शुड मेक गुड फिल्म्स, बट आई डोंट अंडर प्ले माई सेल्फ। आई थिंक मेरा क्या है, मुझे अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है और मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करता हूँ चीज़ों का, मैं थोड़ा सा रिलैक्स सा बंदा हूँ, आई डोंट ट्राई आउट डू अदर पीपल, तो शायद इस वजह से लगता है कि मैं अपने बारे में कम चर्चा करता हूँ, पर आप सब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सर? आर्यन वर्मा जी 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 सर, हमने हमारी फिल्म का जो पहला गाना आया है मुबारक का, जो टाइटल गाना है उसमें अगर आप सुनेंगे तो एक आलाप आता है जो हे हे, तो वो एक्चुअली यम्मा यम्मा से हमने लिया है उसे, एंड आई थिंक इवन टुडे हिज म्यूजिक इज यंग, आज का म्यूजिक है उनका, अभी भी आप उनके गाने सुन लो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल आवर इवन यंग म्यूजिशियंस आर इंस्पायर्ड बाय हिम, सो देयर इज नो ग्रेटर ट्रिब्यूट देन वी आर ऑल एक्सटेंशंस म्यूजिकली ऑफ पंचम दा, सो आई थिंक ही विल लिव ऑन। हाँ पूछिए यार, डायरेक्शन करना चाहूँगा बेशक, मैं ज़रूर करूँगा, कब करूँगा वो पता नहीं, ऐसे कोई प्लान नहीं बनाया, पर मुझे लगता है लेकिन 10-15-20 साल जो है उससे एक्टिंग के पूरे ज़बरदस्त काम करते हैं, अच्छा करें तो बाकी हम डायरेक्टरों का भी सब काम चलता रहेगा। थैंक यू जी जी जी। हाँ लास्ट, चलिए लास्ट उम्मीद जाते जाते जी जी। हाँ बोलिए, नहीं मैंने ऑलरेडी बोल दिया है मैं जी जी जी, नहीं मानव वीरल सबको बता दिया मैंने, मैं आज घर पे ही हूँ, आप बेशक आ सकते हैं, पर मैं चाहूँगा बारिश में ना भी है कोई, ईद मुबारक जी जी जी। सारे जो लोग देख रहे हैं उनको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आइए गाना तो देखिए, ये सब तो होता रहेगा, आ जाइए गाना देखिए, सारे लोग आ जाइए एक बार गाना देखो।
Hi everybody, I'm Shahrukh Khan, and watch me only on facebook.com/businessofcinema.